दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A34 5G इंडिया में काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ और अच्छी प्राइस रेंज में स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। वैसे ए सीरीज़ में इसके साथ दो और स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे, जो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G है और सैमसंग गैलेक्सी A74 5G। दो और प्रीमियम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A34 5G के बारे में, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले है, क्या प्राइस रहेगी और कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, बहुत ही जल्दी 2.7 के क्रॉस करने वाले तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A34 5G की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बॉडी डिजाइन लुक के बारे में बात करते हैं। रियर में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, LED फ्लैश लाइट का सपोर्ट है, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक का सपोर्ट मिलेगा। फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। और दोस्तों दो तीन कलर में स्मार्टफोन अवेलेबल रहेगा। तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन रहेगी। सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। तो डिस्प्ले ओवरऑल काफी तगड़ी है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A34 5G सैमसंग एक्सिनोस 1300 सीरीज के साथ देखने को मिलेगा। कौन सा प्रोसेसर है एग्जैक्ट वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 1300 सीरीज के साथ आएगा, जो यूजुअली 5 nm पर बेस्ड होने वाले माली G68 GPU आपको देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी तगड़ा रहेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें 64 MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप रहेगा, जिसमें 64 MP मेन प्राइमरी कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP माइक्रो, 2 MP डेप्थ कैमरा, 4K वीडियो शूटिंग होगा रियर कैमरे से। फ्रंट में 13 MP की सेंटर पंचोल सेल्फी रहेगी, जिसमें भी फुल HD वीडियो शूटिंग होगा। तो फ्रंट और रियर कैमरा दोनों इंटरेस्टिंग रहेगा। 5000 mAh की बैटरी होगी 25W फास्ट चार्जिंग के साथ, जो यूजुअली आपको सैमसंग के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, वही 25W का चार्जर मिलेगा। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट होगा। एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन लेटेस्ट होनी है 4 पर देखने को मिलेगा, जो एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड होने वाला है। साथ में इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस लॉक अनलॉक का सपोर्ट, लेटेस्ट ब्लूटूथ वाईफाई वर्जन और एक्स्ट्रा जो भी जरूरी सेंसर है, जिसमें जायरो, प्रॉक्सिमिटी कैम्पेस, सभी सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्पेसिफिकेशन वाइज सैमसंग गैलेक्सी A34 5G इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज और इंडिया लॉन्च के बारे में। तो अभी हाल ही में इसके दो वेरिएंट्स लीक हुए, जिसमें बेस वेरिएंट है 6GB 128GB की स्टोरेज, 8GB 120GB की स्टोरेज, ऐसे दो वेरिएंट्स अभी लीक हुए। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। बेस वेरिएंट की प्राइस 23-25,000 से स्टार्ट होगी इंडिया में, और आगे जो वेरिएंट्स है उसके हिसाब से आपको प्राइस इंडिया में देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये सीरीज में टोटल 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन आपको एक साथ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। शायद अक्टूबर में आपको सैमसंग गैलेक्सी A34 5G इंडिया में देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A34 5G के बारे में आपके क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों A54 5G और A74 5G दोनों का फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो हमने चैनल पे डाल दिया है, देखना चाहते हो मैं इधर काट के वर्ड दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी 2.7K क्रॉस करने वाले चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इतना था आज के वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।